अगर आपको चाहिए वो थुलथुली छाती और फैट वाली छाती तो फिर प्लीज इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। आप खाली रील स्क्रॉल करें तो कुछ ना हो। मेरे भाई मसल को सेफेस्ट वे से ट्रेन करने का कि आपको यहाँ जो देखते हो क्वालिटी ऑफ मसल दिखता है आपकी टी शर्ट में आपकी शर्ट में, तो ऐसी बॉडी बनानी है आपको, तो आज का व्लॉग है आपके लिए। वीडियो होने वाली स्पेशल फॉर अपर चेस्ट। जिम में आते हैं 100 आदमी, एक आइडिया बता रहा हूँ, लेकिन बनती उनमें तो दो ही की है, वो दो को देख के वो 98 आकर्षित रहते हैं, लेकिन अपर चेस्ट के लिए दिस इज द बेस्ट वर्कआउट। हड्डियों पे ऐसे खींचा तानी ना करे, कुछ लोग मैंने देखे जो ऐसे झटका, ये झटू चालना ना मेरे भाई, सुथरे बहुत लग गए, भी करो उठ कर चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। राम राम भाई सारा ने। आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत, और काफी दिन बाद आ रहा है मेरा ब्लॉग, और क्यों नहीं बना पा रहा था ब्लॉग, करीबन करीबन 10-15 दिन बाद वीडियोस चालू करी, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं आई बटन पे उसका लिंक डाल रहा हूँ। तो वार्म अप करते हैं, और काफी परेशानियों के बाद जिम चालू करिए, और वार्म अप के लिए इंक्लाइन बेंच पे, इंक्लाइन लेवल पे आपको करनी है पुशअप्स, क्योंकि आज मैं ज्यादा ट्रेन करूंगा इंक्लाइन चेस्ट को, जो आपकी बॉडी के अंदर में आप यहाँ जो देखते हो क्वालिटी ऑफ मसल दिखता है आपकी टी शर्ट में आपकी शर्ट में, तो ऐसी बॉडी बनानी है आपको, तो आज का व्लॉग है आपके लिए। अगर आपको चाहिए वो थुलथुली छाती और फैट वाली छाती तो फिर प्लीज इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ आप, क्योंकि वीडियो आपके लिए नहीं। आज की वीडियो होने वाली है स्पेशल फॉर अपर चेस्ट, अपर चेस्ट ग्रो करनी है तो पुशअप से कर दिए मैंने शुरुआत। मिलते हैं फर्स्ट वर्कआउट पे। सो दिस इज द टाइम टू टेक फर्स्ट वर्कआउट एंड फर्स्ट सेट। तो 10-10 किलो की प्लेटें डालनी है। वार्म अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप वार्म अप नहीं करते तो इंजरी हो जाएगी आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जब भी मैं कोई वर्कआउट करता हूं आप भी ये ट्राई करें, बहुत अच्छा तरीका है अपनी मसल को सेफेस्ट वे से ट्रेन करने का, कि आपको पहला सेट वार्म अप लेना है, जो वार्म अप में स्ट्रेचिंग में कमी रह जाती है वो यहां पूरी हो जाती है। अब मैंने 10 रैप लिए लाइट वेट से, और अब इसके करेंगे 4 सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट में। तो मेरा सेकंड वर्कआउट, और सेकंड वर्कआउट के अंदर में लेनी है आपको इंक्लाइन डंबल फ्लाई, और डंबल फ्लाई लेते वक्त यहां जाना है और यहां स्क्वीज टाइट एंड अगेन। और इतने दिन बाद जिम चालू करिए, पूरा शरीर कांप रहा है, वो हैबिट आपकी छुट जाती है जो आप करते हो वेट से, लेकिन अपर चेस्ट के लिए दिस इज द बेस्ट वर्कआउट। आपकी चेस्ट को एक ये देखिए यहां लाने के बाद में, और ये हड्डियों पे ऐसे खींचा तानी ना करे, कुछ लोग मैंने देखे जो ऐसे झटका, ये झटके से आपको इंजरी होगी दोस्त और कुछ नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल के अंदर में वेट एंड जस्ट होल्ड एंड ऐसे इनहेल नाउ एक्सेल। और ये वर्कआउट है फॉर अपर चेस्ट, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर चाहिए भाई वो बुंडी मांडी छाती, यार देख यार जिम चल रहा ना मेरे भाई, सुथरे बहुत लग गए, तो वो मर्दों के जब यहां से खुला होता बटन और जो दिखती है ना वो शेप, अगर आपको चाहिए तो दिस इज द सेकंड वर्कआउट। ऐसा है, अब आपको करना है थर्ड वर्कआउट, और मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि अगर आपको अपनी जो चेस्ट के अंदर एक आपको लकीर नजर आती है ना, और अपर चेस्ट अगर आपको ग्रो करना है अपना, तो ये वर्कआउट आपके लिए, अन्यथा भाई मत देखो वीडियो, कोई फायदा को नहीं, क्यों समय खराब कर रहे हो। हैमर ग्रिप में, ये हैमर ग्रिप है, इसको ऐसे वाइड नहीं करना है, ये फ्लाई हो जाएगी, ये नहीं करना है। हैमर ग्रिप में जस्ट प्रेस स्क्वीज, थोड़ा आगे आके दिखाइए मुकुल, एंड जस्ट रिलीज, यहां सांस छोड़ना है, यहां लेना है, यहां छोड़ना है। ये हैमर ग्रिप में जब आप प्रेस करोगे ना, वन ऑफ द बेस्ट वे यार, ये देखो ये है वो प्यारा वर्कआउट। और ये जो वर्कआउट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वर्कआउट आप अप्लाई करके देखना, अगर आपको फर्क नहीं आया ना तो बिना कहे एज ऑलवेज मैं हमेशा बोलता हूं मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा आप, क्योंकि जिस वीडियो से अगर आपको कुछ मिली नहीं रील्स, तो देखने का क्या फायदा, खाली रील स्क्रॉल करे तो कुछ ना हो मेरे भाई। अब मेहनत भी करो, उठ कर चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अरे इतनी दिक्कत में भी आ रहे हैं, 12-15 दिन हो गए परेशानी में, लेकिन 8-9 में दिन चालू कर दिया था वर्कआउट, भाई छोड़ा नहीं करते, जय बाबा की। अब बारी है आखिरी वर्कआउट की। मैंने पहले लिया इंक्लाइन बेंच, इंक्लाइन बेंच आप भी करें, थोड़ा पास से ग्रिप लें उसमें, और जब आप करेंगे स्क्वीज करेंगे तो बहुत इफेक्ट आएगा। उसके बाद मैंने लिया डंबल फ्लाई ऑन इंक्लाइन टेबल। तो इंक्लाइन बेंच पे जब मैंने डंबल फ्लाई किया, उसमें भी अपर लाके स्क्वीज करना है और पूरा फ्लो करना है। थर्ड वर्कआउट मैंने लिया हैमर ग्रिप से प्रेस, चेस्ट प्रेस मैंने हैमर ग्रिप से लिया केबल क्रॉस ओवर पे। एंड फोर्थ वर्कआउट इज फ्लैट बेंच। तो दिस इज द वर्कआउट फॉर होल चेस्ट मसल। सो ये जरूर अप्लाई करें आप, मैं लास्ट में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मसल अब बिल्कुल टूट चुकी है, और 4-4 सेट सबके अप्लाई किए मैंने, 4 वर्कआउट। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 repetition, and this is slow repetition time. भाई बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। तो आज के ब्लॉक का करते हैं एंड इन चारों वर्कआउट को अगर आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड करते हैं तो मैं लिटरली लिख कर दे रहा हूं भाई, कोई बॉडी बिल्डर तो नहीं रोक सकता। और करने से बनेगी भाई, सोचने से कुछ नहीं होगा। सोचने वाले तो बहुत है लेकिन करने वाले कुछ कम है। जिम में आते हैं 100 आदमी, एक आइडिया बता रहा हूं, लेकिन बनती उनमें तो 2 ही है। वो 2 को देख के वो 98 आकर्षित रहते हैं। तो काउंट योर सेल्फ इन दैट 2, उन 2 में गिनती करानी है भाई। वर्कआउट तो करना पड़ेगा, रूट का चलना पड़ेगा। तो आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल पे प्यार दे दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।